हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज डेट है 6 मई और अभी हम लोग हैं हल्द्वानी में। आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। तो मैं आज पूरा व्लॉग शूट करने वाली हूँ, आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, क्या। हमने सोचा है कि आज हम इवनिंग में आरती अटेंड करेंगे हरिद्वार में, तो देखते हैं कैसी रहेगी आरती। तो अभी हम लोग घर पर हैं, अभी हम लोगों की जाने की तैयारी हो चुकी है और चलिए मिलते हैं आगे। और ये है मेरे पतिदेव, इनको पिठा लगाया जा रहा है। इनकी गर्म से इनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। क्यों, गर्मी लग रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं। तो फैमिली, हमारे उत्तराखंड में ऐसा रिचुअल होता है कि जैसे जब गेस्ट जा रहे होते हैं तो उनको टीका लगाया जाता है, तो क्या आपके यहाँ भी ये रिचुअल है? मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद हमने अपने पूर्वजों को, अपने भगवान जी को प्रणाम किया और हम आगे को बढ़े। और हमारी क्यूट सी म्याऊ भी आ गई थी हमको बाय बोलने के लिए, तो हमने उसको भी सी ऑफ किया। मम्मी जी पापा जी को प्रणाम करके हम आगे बढ़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो आगे इसी जगह पर हम पहुंच गए थे जसपुर, और फिर हमें ध्यान आया कि क्यों ना नितांशु से भी मिला जाए। तो हमने नितांशु के साथ करी एक शॉर्ट मीटिंग उसके कॉलेज के बाहर, और फिर हम आगे बढ़ गए। और हरिद्वार अभी हमारी प्लेस से है 148 km दूर। और उसके बाद हमारा गला सूख चुका था क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे हस्बैंड लेकर के आए गन्ने का जूस, ये, और उसको मैंने पिया थोड़ा स्टाइलिश वे में, मूंछ के ऐसे मूंछ वाला डिज़ाइन बनाते हुए, और ये बहुत टेस्टी हो रहा था। यम यम। और इस सफ़र में चलते चलते हम पहुंच गए तुलाराम रेस्टोरेंट। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ ना बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के गुलाब जामुन और समोसे, तो हमने वो पैक कराए। वेलकम बैक अगेन। तो अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का 5 o'clock और हम कंटिन्यू चल रहे हैं। 1 बजे हम हल्द्वानी से निकल गए थे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ब्लॉग के। तो अभी मैं ना सॉन्ग सुनते सुनते बहुत बोर हो गई हूँ, गलियाँ और नादान परिंदी। तो अब मैंने अपने हस्बैंड से बोला, जो बहुत अच्छा सॉन्ग सिंग करते हैं, तो मैंने उनसे बोला कि प्रेम रतन धन पायो, तो वो मुझे ये वाला सॉन्ग सुनाने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं। ओके, तो ये मैं आपको ये रूपी दिखा देती हूँ, गर्ल्स वॉइस में सुनाना है। तो ये देखिए नजीबाबाद की मार्केट है, ये यहाँ पे इतना क्राउड है ये। तो चलिए अब हम गाना सुनते हैं सुरीली आवाज़ में, लड़कियों वाली अपने पति परमेश्वर की आवाज़ से। तो 1 2 3 ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। प्रेम रतन धन पायो पायो, प्रेम रतन धन पायो पायो, प्रेम रतन धन पायो पायो, प्रेम रतन, प्रेम रतन धन पायो पायो, प्रेम रतन धन पायो पायो, प्रेम रतन। ये लाइंस मेरे लिए हैं कि मैंने प्रेम रतन धन पायो है ना इनके लिए। तो अच्छा, अब ये तो हो गया गर्ल्स वॉइस में, मेल वॉइस में आपको सुनाना चाहेंगे? कुछ तो सुना दो ना, हमारे यूट्यूब की ऑडियंस भी सुनना चाहती है, बहुत अच्छा सॉन्ग सिंग करते हैं, बहुत अच्छा। तो सुना दो कुछ, चलिए थोड़ी देर बाद बोलिए, तब इनको सोचने का टाइम देते हैं। बाय। अगर मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो ना, अगर मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो ना, मेरे पियार खाइयो ना तो नैना मोर, खाइयो ना तो नैना मोर, पिया से मिलन पियास, खाइयो ना तो नैना मोर, खाइयो ना तो नैना मोर, पिया से मिलन पियास। ओ नारा जाके वो फंसे, पानी को देखा देखा
ये गाने सुनते सुनते हम पहुंच गए हरिद्वार। इवनिंग का समय हो गया था हमें पहुंचते पहुंचते और हम अपने रिजॉर्ट में पहुंच चुके थे। उसके बाद हम पहुंचे अपने रूम पर और ये है हमारा रूम। और ये था हमारे गेस्ट हाउस के बाहर का व्यू। इसका नाम था डैम कोटी। इसके दूसरी तरफ पे गंगा नदी बह रही थी तो हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पे शिव जी की नृत्य करते हुए फोटो थी, स्टैचू बना हुआ था और हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैसे घूमे। मतलब काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ पे देख के, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया था। और फिर हमने इसी गार्डन में ली चाय की चुस्कियाँ और फिर अब हम गए और इसके बाद हमने देखे कुछ मॉन्कीज यहाँ पे। मॉन्कीज देखने के बाद हम अपने रूम में गए और तैयार होकर के हम निकल गए हर की पौड़ी के। तो फैमिली अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी पर जहाँ पर हम आरती अटेंड करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से भी। ये बड़ा सुंदर लग रहा था, पता है ये जो ओम वाला है लेकिन ये जल नहीं रहा, पता नहीं। तो फैमिली अब हम पहुंच चुके हैं मार्केट में और मार्केट में ये आप देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालु लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और दिया जलाने के बाद हमने किया गंगा पूजन। गंगा तेरा पानी अमृत जर जर बहता जाए। ये मेरी प्यारी सी बीबी गंगा जी को प्रणाम करते हुए तो मैंने सोचा मैं भी क्यों पीछे हटूं। तो इस तरीके से हम दोनों ने किया गंगा मैया को प्रणाम और लिया उनका आशीर्वाद और हम बड़े आगे। ये लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे गंगा जी का आशीर्वाद लेने आए थे तो यहाँ पे काफ़ी सारा रस था, काफ़ी सारी भीड़ थी। सभी मंदिर ओने कोने सब कुछ चारों तरफ लोग ही लोग थे, काफ़ी रस था। तो फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद हम गए आगे। हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा मार्केट की तरफ को जाते हैं अब, तो हम गए मार्केट की तरफ को और ये मेरे हस्बैंड को हंसी नहीं आती थी तो देखिए अब आई जादू। तो फिर हमने की कुछ फ़ोटोशूट्स और इतनी अच्छी फ़ोटोज़ आई थी। अब घूमने के बाद लग चुकी थी हमको भूख तो हम आ गए गोलगप्पे खाने। तो हमने खाए सूजी वाले गोलगप्पे। मुझे सूजी वाले गोलगप्पे पसंद है, आप लोगों को कौन से पसंद है मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। तो ये बहुत टेस्टी हो रहा था ये गोलगप्पा भी। तो गोलगप्पे खाए हम लोगों ने और उसके बाद हमने खाई दिल्ली कुल्फ़ी। दिल्ली कुल्फ़ी जो मुझे सच्ची में बहुत अच्छी लगी। तो ये अंकल जी हमारे लिए कुल्फी तैयार कर रहे हैं। टन टन आ गई। तो मैंने सोचा हमेशा रोज कार कार पे इधर से उधर दौड़ भागी करते रहते हैं तो मैंने सोचा आज अपनी बीवी को रिक्शे पे घुमाऊं। तो रिक्शे में घूमने में काफी ज्यादा मजा आया, अपने पुराने दिन याद आए और उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस को। हम अपने गेस्ट हाउस पर पहुंच चुके हैं। और रूम पर पहुंचने के बाद फाइनली मैंने किया डिनर क्योंकि बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो गई थी और फिर गई मैं। सो मिलते हैं गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए, बाय बाय।